नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इलेवन। बिहार में शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है और ये चर्चा बिहार में गिरते हुए शिक्षा व्यवस्था को लेकर होती है। और इसके लिए राजधानी पटना के एक सरकारी स्कूल में न्यूज़ वन इलेवन की टीम ने जाकर वहाँ के स्थितियों को जाना। जरा आप भी देख लीजिए क्या है वहाँ की स्थितियाँ। बिहार में शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था हमेशा ही चर्चा में रहती है और यह चर्चा बिहार में गिरते हुए शिक्षा व्यवस्था को लेकर होती है। बिहार को पूर्ण रूप से शिक्षित बनाने के लिए सरकार ने ना जाने कितनी ही योजनाएं चलाई, लेकिन स्थितियां नहीं बदली। बिहार के कई प्राथमिक विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया और इसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए भी खर्च किए। लेकिन चलिए जरा राजधानी पटना के चकारम प्राथमिक विद्यालय की स्थिति को भी जान लेते हैं। ये स्कूल देखने में दूसरे स्कूलों से थोड़ा ठीक नजर जरूर आता है, लेकिन इसकी भी स्थिति देखकर आप हैरान रह जाएंगे। राजधानी पटना के चकारम प्राथमिक विद्यालय को देखने के बाद न्यूज वन इलेवन की टीम ने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। उनसे बात करने के बाद ये पता चला कि इस स्कूल में 135 बच्चों का नामांकन किया गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ 80 से 90 बच्चे ही रेगुलर स्कूल आ पाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या वजह है कि 135 बच्चों में से सिर्फ 80 से 90 बच्चे ही रेगुलर स्कूल आ पाते हैं। तो लीजिए जनाब, इसका भी जवाब जान लीजिए। स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि यहाँ कुल 6 टीचर हैं, लेकिन अभी 4 ही टीचर आए हैं, 2 टीचर तो छुट्टियाँ मना रहे हैं। हाँ, तो रोज उतना नहीं आता है, एवरेज वही 80-90 आता है। 6 टीचर यहाँ पर। हाँ तो हाँ, टीचर की भी कमी है। अच्छा, 8 है। छुट्टी में रहती है या नहीं? नहीं, स्पेशल सीएल मिलनी है, 2 दिन अपना उन लोग का विशेष अवकाश मिलता है ना, वो ली है अपना। अब एक ठो इधर टूट गया है सर, बच्चा लोग तो बदमाशी का। अभी तो हाल में सब ठीक कराए हैं, अभी हाल में ही सब ठीक कराए हैं, फिर टूट गया है, फिर बनाना है। पैसा पूछिए ना, हम लोग का अनुदान का जो आया था उससे ज्यादा पैसा हम लोग खर्च कर चुके हैं। तो सुना आपने, स्कूल में 6 शिक्षक हैं और उसमें से भी 2 तो छुट्टी ही मना रहे, तो आखिर बच्चे क्या पढ़ेंगे। खैर, हमारी टीम ने बच्चों से भी कुछ बहुत हल्के हल्के सवाल भी पूछे, लेकिन बच्चों ने उसका भी गलत जवाब ही दिया। हिंदी हिंदी क्या पढ़, मैथ पढ़ते हो? 6-5 कितना होता है? 6-5 7। अच्छा, 6-6 कितना होता है? तो इन बच्चों को क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है वो भी आपने देख लिया। अब जरा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में भी आपको बताते हैं, और वो योजना है मिड डे मील, जिसके तहत सरकार बच्चों को पौष्टिक आहार देने की बात कहती है। लेकिन इस स्कूल में जरा उसकी भी हकीकत जान लीजिए। देखिए, यही तो वो खाना बनाने का सामान है जो बच्चों को खिलाया जाएगा, और इसे भी कचड़े के साथ रखा गया। आप देखिए कैसे कचड़े के साथ आलू को रखा गया। अब जरा सोचिए, जहां झाड़ू और कचड़े के बीच में खाना बनाने के सामान को रखा जाता है, वो सामान पौष्टिक कैसे हो सकता है। हालांकि यहां हर दिन के अनुसार खाने की एक सूची बनाकर लगाई तो गई है, लेकिन बच्चों को जो खाना दिया जा रहा है वो शायद उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बीमार ही करे। अब जरा स्कूल के टीचर्स को भी सुन लीजिए। लगभग 30-35 होंगे, 35-40। ये 1-2 हैं, और 3-4-5 में जो बच्चे रीडिंग नहीं लगाते हैं उनका अभी स्पेशल क्लास चलता है पढ़ो पटना का, टिफिन के पहले, प्रेरणा सत्र के बाद। तो इसमें 3-4-5 के भी वैसे बच्चे हैं जो लोग की बुक पढ़ना नहीं जानते हैं,
उन लोगों का भी क्लास लेना है साथ में, उन लोगों को अक्षर पहचानवाना है, शब्द पहचानवाना है, मात्रा पहचानवाना है, ताकि वो अपने विद्यालय मतलब अपने क्लास के लायक बन सके, फिर वो अपने क्लास में जाके बैठेंगे। हाँ अभी इतने बच्चे हैं, अभी हाजिरी नहीं लिए हैं, लेकिन जो देख रहे हैं उतने बच्चे हैं अभी। बच्चे अब्सेंट रहते हैं ज़्यादा? बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं मेरे विद्यालय में, बहुत ज़्यादा नहीं रहते, लगभग 70% बच्चे रहते हैं, 60-70% बच्चे रहते हैं। नाम मेरा रूबी रानी हुआ, वैसे हम 1 और 2 के क्लास टीचर हैं, मैंने हम लोगों को 1-2 में ही रहना है, और अभी हमको पढ़ो पटना का अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो 3-4-5 के बच्चों को भी लेके बैठना है मेरे यहाँ। मतलब सभी बच्चे रीडिंग लगाते हैं, 3-4-5 में मात्र तीनों क्लास मिला के 8 ही बच्चे ऐसे हैं जो कि अक्षर नहीं जानते हैं, इसलिए वो 8 बच्चे और प्लस हम ये चाहते हैं कि 1-2 जब उन 8ों को पढ़ाएंगे तो 1-2 को भी साथ में क्लास ले लेंगे। तो पढ़ो पटना का बच्चा को हम इधर बैठाए हुए हैं, इधर 1-2 के बच्चे बैठे हुए हैं, सबको साथ में ही। हमको अभी सिर्फ मात्रा पहचानवाना है, अक्षर पहचानवाना है, ताकि जब वो बच्चे अपने, जैसे ये सब बच्चा है बहुत चीज़ पढ़ने लगा, शब्द पढ़ा रहा है, ये लोग सुन करके छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जब ये अपना किताब पढ़ने लायक होंगे बारी बारी से हम उनको अपने क्लास में भेज देते हैं। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं यहाँ के शिक्षक। खैर, बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के बारे में पड़ताल करने के बाद हमारी टीम वापस लौट रही थी कि उनकी नजर स्कूल के कैंपस में रखी एक शराब की खाली बोतल पर पड़ी। हमारी टीम ने जैसे ही उस शराब के खाली बोतल को देखा वो चौंक गई, क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, और अगर शराबबंदी है तो राजधानी के इस सरकारी स्कूल में शराब की ये बोतल कहां से आ गई। और इसके बारे में जब स्कूल के एक शिक्षक से पूछा गया तो सुनिए जरा क्या कहता है वो शिक्षक। ये देखिए, यहाँ पर नवीन आरक्षी है, यहाँ पर पुलिस लाइन है ये, और पुलिस लाइन है, और यहाँ पर इधर पीछे में इस तरफ बाथरूम है, और कौन यहाँ ला के रखता है, कौन क्या करता है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो विद्यालय समय से आते हैं, समय से जाते हैं, अब कौन यहाँ ला के रख देता है, अब इसके विषय में। यहाँ पर बच्चे आते हैं जाते हैं, बच्चे का आने जाने का रास्ता है, जगह गेट के ठीक समीप है, तो स्कूल प्रबंधन क्या इस पर ध्यान नहीं देती है? स्कूल प्रबंधन ध्यान देती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब कोई रख देता है तो अब उसको क्या कर सकते हैं, अब हम लोग कितना इस पर, हम लोग तो पूरा ध्यान देते हैं कि किस तरह का कहीं भी किसी तरह का नहीं। अब कोई आया तो इस तरह का जब यहाँ रखा हुआ, इस पर आपके संज्ञान आप क्या लेंगे? इसका संज्ञान क्या लें, माने हम लोग को लगता है कि नहीं भाई ये तो गलत है, कोई आता है जैसे पैखाना का डब्बा है, पैखाना के डब्बा में रख के लाया, चुपके से ला के रख दिया, तो इतना हम लोग कितना, अब हम लोग पढ़ाई पर ध्यान दें कि अब हम सब लोग को देखें कि भाई कौन क्या लेके आ रहा है। तो सुना आपने इस शिक्षक को क्या कह रहा है। अब जरा सोचिए विद्या के इस मंदिर में क्या क्या होता है। यहाँ बच्चों को मुकम्मल शिक्षा तो नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ कचरे के साथ खाना बनाया जाता है, और यहाँ स्कूल के कैंपस में ही शराब की बोतल भी मिलती है। ऐसे में ये सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों बच्चों के भविष्य के साथ सरकार और स्कूल प्रबंधन खिलवाड़ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 1 11। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।